अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब। उम्मीद कर दा कि तुम सारे बिरा खैर खरीयत नाल हो। दोस्तों मैं तुहाडा अपना बिरा आमिर बाटा, मेरे यूट्यूब चैनल वेदे पयो बाटा एक्सप्रेस। बिरा जिमें कि पहले ना कराची मंडी आई है तो इतने अक्सर वन तो पवन ही गड्डी मिलती है नवी तो नवी, तो कभी कभी असी गड्डियां दे ड्राइवर कोलों को हाल चाल पुछ के, तो अक्सर को मालिक होंगे को ड्राइवर होंगे उन्होंने को पुछते हैं कि कुछ बचेंदे सचेंदे वे की हालात हैं ट्रांसपोर्ट के, तो थोड़े नाल शेयर करें। इन तरह की अज एक गड्डी मैं मिली है जनाब हिनो 700, ये मगर ए सी कंटेनर एक जिनू रीफर कंटेनर इस देंदे। ये ड्राइवर नाल लेने गप शप तो इन्होंने को पुछते हैं कि किदे किदे चलते हो तो की कुछ चक्कर तो बच जाता इन्हें। एक थोड़ी मुश्किल हो सी क्योंकि इन्हों पंजाबी की समझ को नहीं आती तो इन्होंने उर्दू ही गल करनी पी। आओ जनाब मिलते हैं ड्राइवर दे नाल। 4x4 करना गलत है दादा, बच्चों पे की है वो इसमें नहीं लगा हुआ ना 4x4 का, इसमें वो ये वाला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है लेकिन अभी बंद है। सही है, देखो वो इधर से लगता है। ए सी है यदा आटो, ये आवाज़ तुम सुनते पे हो सके जिमें थोड़ा इतना टैंपरेचर यदा अप होया है ना, ये तो नाल ही ये अपने आप तो ऑन हो जाता है, तो मुड़ जिमें टैंपरेचर यदा पूरा हो जा सी ये मुड़ बंद हो जा सी। इसका जो शिफ्ट है ये भी मुश्किल वाला है। अच्छा, इसका कैसे काम करता है ये? अच्छा, तो जंप तो नहीं लगता होगा? नहीं नहीं, जंप ये जो एलसीडी लगा हुआ है इसमें क्या आता है? ये जो मीटर में एलसीडी लगा हुआ है ये उसका जो है अपना सिस्टम है, चलो लाइट सिस्टम है। ये एलसीडी भी चलता है? हाँ चलता है। बाकी दोस्तों ये तो कैबिन तो नहीं, पूरा पूरा ना इवें लगता पाया कि जिमें कमरा हो गया, भावें वेर बंदा बैठा हो, कोई टेंशन कोई नहीं है, एंड बिल्कुल ना खुला माहौल है। सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, कैसे है भाई जान? अच्छा भाई ये बताओ अपना नाम। मेरा नाम जो है हिदायतला। क्या? हिदायतला। रूट पे आप चलते हैं? तो ज्यादा कराची और ईरान बॉर्डर पे चलता है जी। अभी आप क्या चीज इधर कराची क्या चीज लेकर आए? अभी जो सेब है, सेब का लोड है, कल शाम को आया हुआ है। ईरान से आते आते आपको इधर कितने दिन लग गए? बस जब कल इस टाइम पे निकल जाए ना। अच्छा, इसी टाइम पे इधर ही पहुंच जाता है तकरीबन। इसका मतलब भाई 24 घंटे में गाड़ी इधर पहुंच जाती है? पहुंच जाता है। ये बरसता कैसे रास्ते आ पाता है इधर जी? किस किस रास्ते से आ पाता है इधर? गवादर से किस रास्ते से आता है? ये गवादर से उमाड़े और उमाड़े से फिर ये यूरोपियन पे आता है। तो इसका तो अभी इधर बारिशें भी बहुत हुआ था, उसका रास्ता कैसा है? वो फिर एक दिन के लिए खराब हो बंद हो गया था, तो फिर खोल गया था, हुकूमत ने सही किया था। हाँ। अच्छा, इसका जो पीछे वाला जो सिंगल व्हील है और कमानी नहीं है, ये दूसरे से आसान होता है या मुश्किल है? नहीं नहीं, ये दूसरे गाड़ियों से जो है ये आसान है, ये जो है सारा मुश्किल वाला है। अच्छा। ये जो इसमें जो है कमानी नहीं है, न मशीन में न यखचाल में। सही जी। तो इसका भी और इसी चल रहा है, इसका जो है ये इसी कंटेनर ना, इसको ये ऑटोमेटिक कितने टाइम चल जाए तो इसका ऑटोमेटिक कितने तक हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा ना ये जी। अच्छा, ये गाड़ी तो हमने देखा है, ये आपका दूसरे से ताकत में है ना, ये जो हिनो 8G है या उससे तो ये ज्यादा ताकत? बहुत ज्यादा। ये तो खाली मशीन मशीन जो है ये कितने का? ये आता है अस्सी 85 इतना में आता है। 80-85 लाख में जी, सिर्फ ये मशीन ये खाली मशीन।
तो अगर ये पूरा जो कंटेनर है ये कितने में तैयार हो जाएगा? ये पूरा तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ खर्चा आएगा दोनों पे। तो इसका एक चक्कर जो अभी लगाया ये आप सेब लोड करके आए, इसका किराया कितना था? इसका किराया जो है 4,20,000 से 4.5 लाख किराया। ये आप कितने दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता? अभी वापसी फिर ईरान जाएगा या किसी और शहर का माल उठाएगा? नहीं नहीं, वापसी ईरान पे जाएगा। यहाँ से क्या चीज लोड करेगा? यहाँ से कोई खाली जाएगा ईरान। अच्छा, यहाँ से खाली खाली जाएगा। उधर तो डीजल भी तो सस्ता है ना? हाँ, उधर डीजल अभी उधर आपको क्या रेट पे मिलेगा? उधर जो है ड्रम का हिसाब है, अभी जो है महंगा है ना, बारिशों की वजह से तो महंगा पड़ गया था ना, ये डीजल बंद हो गया। हाँ, उधर अभी तकरीबन 1 लीटर कितने का पड़ता है? 185 इतना में। अच्छा, तो ये तकरीबन आप एक चक्कर का कितने पैसे ये बच जाता है? यार इसे तो 2-1.5 लाख इतना में तो बच जाता है तकरीबन। जब वापसी पहुंच जाएगा तो फिर उधर से कितने दिन में बाद में आपको लोड मिल जाएगा? तकरीबन 5-6 दिन में चक्कर पूरा हो जाता है? नहीं, जब वापसी में इस तरफ से जाएगा कराची से ना, वही उसी दिन पे लोड मिल जाता है। कभी कभी अभी जो 2 दिन बाद वापसी आ जाएगा, 3 दिन बाद वापसी आ जाएगा इस तरफ। तकरीबन दोस्तों ये था ना, ज्यादा तो ज्यादा 4 दिन का चक्कर है, आधे पैंट तकरीबन को 1.5 से 2 लाख रुपया सानू चक्कर का बच जाता है, वो भी एक साइड खाली जाके। अच्छा, ये ड्राइवर 2 जाता है या 3? नहीं, 2 है यार। ये तो जाती नहीं, एक हेल्पर तो साथ होना चाहिए। नहीं, दो है, जैसे जब शाम इधर से निकल जाए सुबह उधर ही पहुंच जाता है। गाड़ी भी तो आपकी आरामदेह है, गाड़ी में भी ऐसे चलता है या नहीं? हाँ चलता है, गाड़ी में भी चलता है। तो आपको पूछना तो ये नहीं चाहिए, वो कहते हैं ना कि औरत से उम्र नहीं पूछना चाहिए और मर्द से तनख्वाह नहीं पूछना चाहिए। हाँ। तो फिर भी आप कुछ बता सकते हैं कि कितना अंदाजा कितना आपको दे रहा है महीने का? महीने का इतना नहीं, 20-10-15। अच्छा, एक तो अभी ये चल गया है इसका, तो एक मिनट बंद कर जाए इसका। ज्यादा से ज्यादा आप स्पीड कितना चलता है खाली में और लोड में? खाली में फर्क नहीं पड़ता है इसमें जो है, खाली में पर खाली और लोड में फर्क नहीं पड़ता है, 120-140 टच कर। अच्छा दोस्तों, देखिए कितना बोल रहे हैं कि 120-140, चाहे वो गाड़ी खाली हो चाहे लोड हो। अच्छा ये ना दोस्तों, ये देखो तुम ए, अच्छा ये ना ये मशकोला लगो है सामने, ये कमाणी का काम करता है, यानी कि ऐसे ना तुम अगर मशीन च ही वेद पे हो, मशीन च ही कमाणी कोई नहीं, तो ये पिछे तुम बिखेने हैं। ये सारा ये ना प्रेशर सिस्टम, ये टेंकियां लगी हुई सारिया प्रेशर वाली हूँ ना, हालांकि ना खलोती भी लोड है, ये सारी ये टेंकियां ने सिंगल व्हील हैं। ये आई साड़ी आई दी वीडियो भीरा, अगर वीडियो चंगी लगे तो साडा चैनल ही सब्सक्राइब करना है, ना लगे घंटी तो बटन नहीं दबावना। मिलते हैं अगली वीडियो के, इतने तक अपने भीरा इजाजत दियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।